Chapter 2 of class 8, that is microorganisms. अब आपको ये पता लग गया है कि जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है तो वैसे ही वो हार्मफुल भी है, राइट? कि वो कितनी सारी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ा. तो हाउ टू अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑब्वियसली कोई भी हार्मफुल इफेक्ट अगर उनका है कि वो डिजीज कॉज करते हैं, राइट, तो वो डिजीजेस को हम कैसे बचा सकते हैं. सो हाउ टू अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो उसमें से पहली प्रिकॉशन तो ये है, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग और आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड और आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. क्योंकि देखिए, जब आप खाना खाने लगते हो तो जो चीज आप पकड़ रहे हो अपने हाथ से, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आपके हाथ पे है, दे आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन द फूड और वो फूड आपकी बॉडी के अंदर जाएगा. तो इसका मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट खा रहे हो आप, राइट? सो ट्राई टू वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, राइट? दूसरी चीज, व्हेन आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड, तब भी आप हाथों को वॉश करो, देन ओनली मेक यूज कि भी आप हाथ से कुछ और काम कर रहे हो. ऐसे ही जो टॉयलेट्स है, टॉयलेट्स आर एक्चुअली द एरियाज इन द हाउसेस जहां पे बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. हमें घर में मिलते तो सारी जगह है, लेकिन टॉयलेट्स में इनकी आप कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस ज्यादा होती है. तो व्हेन यू लाइक यूज द टॉयलेट, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, प्लीज वॉश योर हैंड्स. सो दिस प्रिकॉशन एक्चुअली यू कैन टेक. कवर योर माउथ वाइल यू स्नीज और कफ. चाहे आप खांसी करो, चाहे आप स्नीज करो, प्लीज कवर योर माउथ विद हैंडकरचीफ्स और समथिंग. क्योंकि सपोज अगर कोई है जिसको आप कह लो कि कोल्ड है, राइट, तो वो कफ या स्नीज करेंगे, तो कोल्ड होने करके तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनके अंदर कोल्ड और कफ कॉज किया है, सो दे आर जस्ट रिलीजिंग दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टू द एयर. और क्योंकि आप सेम एयर के अंदर रिस्पायर करते हो, तो वो हो सकता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और की बॉडी के अंदर एंटर कर जाए और उनको डिजीज कॉज करे. तो इसलिए प्लीज कवर योर माउथ व्हाइल यू कफ और स्नीज. ऐसे ही कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम अदर पीपल दैट आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस. आपको पता है कि कुछ डिजीजेस कॉम्युनिकेबल होती है. अभी हमने डिस्कस भी किया था कि कॉम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो कि सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन पे हो सकती है, राइट? एंड दे आर मोस्टली कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो जो लोगों को ऐसी डिजीजेस है और वो डिजीज कॉम्युनिकेबल है, राइट, तो उनसे आप थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते. ऐसे ही डू नॉट ईट फूड विच इज नॉट फ्रेश और नॉट कुक्ड प्रॉपरली. आप वो खाना बिल्कुल मत खाइए जो कि फ्रेश नहीं है, मतलब बासा है, बहुत दिनों का बना हुआ है या अच्छे से कुक नहीं हुआ है. वी शुड नॉट फीड ऑन दैट काइंड ऑफ फूड. वी शुड फीड ऑन द फ्रेश फूड एंड द प्रॉपरली कुक्ड फूड. जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, दे आर इंडिकेटिंग सो फ्रेश फ्रूट्स, राइट? सो वन शुड फीड ऑन फ्रेश फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ फीडिंग ऑन अ यू कैन से फूड विच इज नॉट फ्रेश. Now we are going to see that conditions that actually promote microorganisms growth. कि क्या conditions हैं जिसके करके microorganisms जल्दी जल्दी और बहुत सारे number में grow कर जाते हैं. पहली चीज तो ये है, वो food which is having a high moisture content that actually enhance the growth of microorganism. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो जहां पे भी हाई मॉइस्चर होगा वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी जल्दी से होगी. सो द फूड विच इज हैविंग अ हाई मॉइस्चर कंटेंट इज मोर प्रोन टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? मतलब कि ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उनके अंदर ज्यादा हो सकती है. ऐसे ही फूड केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर. बहुत देर तक आपने रूम टेम्परेचर पे, सपोज ये आपके पास एक फ्लैश का पीस है, आपने इसको किचन में ऐसे ही रख दिया बहुत देर के लिए, राइट? तो इट इज ऑल्सो यू कैन से सर्विंग अ कंडीशन दैट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे ही व्हेन स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट डैमेज्ड एक्सपोजिंग फूड टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर सपोज आपके पास कोई फ्रूट है घर पे या कोई वेजिटेबल है, उसकी आउटर स्किन किसी कारण पील हुई है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं और उसके अंदर एंटर भी कर सकते हैं और उसको खराब भी कर सकते हैं. ऐसे ही फूड विद लो सॉल्ट कंटेंट, लो शुगर या लो एसिड एक्चुअली प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो कभी भी कोई फूड जिसमें नमक कम है, शुगर कम है या एसिड कम है,
वो एक्चुअली वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि सॉल्ट शुगर और एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं. लेकिन जहां पे ये कम है तो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ तो वहां पे इनहांस होने वाली है, राइट. सो दिस इज वॉट वी हैव इन द फिगर इज वी हैव सिट्रिक एसिड. तो सिट्रिक एसिड इज अगेन अ काइंड ऑफ एसिड. अगर किसी के अंदर ये एसिड कम है तो ऑब्वियसली वो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ज्यादा होने वाली है, राइट. नाउ मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड एट होम. अब घर पे आप सब खाना तो बनाते ही हैं, हाउ वन कैन प्रिजर्व फूड. और आपको पता है प्रिजर्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म झट से ग्रो भी कर जाते हैं और दे कैन एक्चुअली सर्वाइव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो वी नीड टू टेक सर्टेन स्टेप्स इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द फूड. सो घर पे खाना प्रिजर्व करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स, लाइक वी हैव डिहाइड्रेशन, वी हैव फ्रीजिंग, we have we can actually preserve by increasing the temperature by using preservatives. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, इस फिगर में हम दूध को उबाल रहे हैं. आपको पता है कि घर पे जब भी आप सुबह दूध लेते हो, चाहे पैकेट वाला चाहे कोई मिल्कमैन देकर जाता है फ्रेश मिल्क, तो आप उसको पहले बॉयल करते हो. बॉयल करने से क्या होता है, बॉयल करने से इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज पैस्टराइजेशन विच वील बी टेकिंग अप लेटर. ऐसे ये फिगर इंडिकेट कर रही है सोडियम बेंजोएट. इट इज अ काइंड ऑफ आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव विच इज एक्चुअली एडेड टू सर्टेन फूड आइटम्स इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देम. तीसरा यू कैन सी दिस इज इंडिकेटिंग अ रेफ्रिजरेटर. और इस रेफ्रिजरेटर में आप देखो कितने सारे फूड आइटम्स पड़ी हैं जिनको हम स्टोर कर रहे हैं. सो इट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग दैट वी कैन स्टोर फूड बाय फ्रीजिंग ऑल्सो. सो पहला मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूविंग वाटर और एनी काइंड ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम फूड. तो कैसे आप कर सकते हो इसको डिहाइड्रेशन घर पे, वी कैन एक्चुअली डू इट बाय सन ड्राइंग. जैसे कि आप देख पा रहे हो दीज आर ऑल रेड चिलीज. तो ये रेड चिली पाउडर जब बनता है तो आप पहले रेड चिलीज को क्या करते हो, आप रेड चिलीज को पहले धूप पे इस तरीके से फैला देते हो ताकि इसके अंदर से किसी भी तरीके का पानी या मॉइस्चर खत्म हो जाए. तो द सिंपल मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन इज द सन ड्राइंग. एग्जाम्पल जिंजर पाउडर इसी तरीके से बनता है, पोटैटो चिप्स भी इसी तरीके से बनते हैं, मेथी सीड्स ये भी इसी तरीके से बनते हैं. सो इनको हम डिहाइड्रेट करते हैं एंड वी कैन एक्चुअली प्रिजर्व देम. सेकेंड इज बाय लोअरिंग टेम्परेचर. लोअरिंग टेम्परेचर का मतलब है फ्रीजिंग, मतलब फ्रिज के अंदर चीजों को रखकर प्रिजर्व करना. अब क्या होता है कि जब आप फ्रिज के अंदर रखते हो तो ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं करते हैं, ग्रो करते हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे जो एक्टिविटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो स्लो हो जाती है. मतलब जिस फूड को उन्होंने 10 मिनट में, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, कि जिस फूड को उन्होंने 10 मिनट में खत्म खराब करना था, अब वो उनकी एक्टिविटी एक घंटे तक हो गई है. मतलब उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है फ्रीजिंग पे, और उनकी जो आप कह सकते हो कि चीजों को खराब करने की एबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है. तो रेफ्रिजरेटर्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रिजर्विंग फूड आइटम्स. पर ऐसा नहीं कि आपने आज वेजिटेबल, आपने कुछ भी बनाया, कुक किया, आपने फ्रिज में रख दिया और आप एक महीने बाद खा रहे हो. नहीं, फ्रिज के अंदर भी जो फूड है वो सिर्फ एक दिन तक ही आप कह सकते हो ठीक रहता है, अदरवाइज उसके बाद वो खराब होने लगता है. वो भी लाइक कुक दाल. आपने सपोज ऐसे दाल बनाई, आपने रात को दाल बनाई, आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया, यू कैन कीप इन फॉर 1 or 2 days, नॉट मोर देन दैट. उसके बाद ये खाने लायक नहीं रहती है, स्टेल हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ तो हो ही रही है. रेफ्रिजरेटर ग्रोथ को स्लो कर रहा है, खत्म नहीं कर रहा है, राइट. सो देयर इज अ सर्टन फिक्स पीरियड जिसमें रेफ्रिजरेटर्स भी फूड को बचा पाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा टाइम के बाद भी फूड खराब होता ही होता है. थर्ड इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को बढ़ाते हैं अगर आप, तो एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिकॉज दे नीड एप्रोप्रिएट रेंज ऑफ टेम्परेचर टू सर्वाइव. तो ज्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर दोनों ही उनकी एक्टिविटी को खराब करते हैं. तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर से एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो. और इंक्रीजिंग टेम्परेचर से चीजों को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, वन इज पैस्टराइजेशन, अदर इज स्टरलाइजेशन. जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, दिस इज मिल्क, वी आर बॉइलिंग मिल्क, बॉइलिंग मिल्क इज पैस्टराइजेशन, राइट. तो पढ़ते हैं ये क्या होते हैं मेथड्स. पैस्टराइजेशन का मतलब है कि प्रोसेस ऑफ हीटिंग फूड आइटम
टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर तक आपने उसको हीट किया एंड देन स्लोली कूलिंग इट, फिर आपने धीरे धीरे उसको कूल भी किया. ऐसा करने से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एकदम से चेंज इन टेम्परेचर नहीं सह पाते हैं, इसीलिए वो मर जाते हैं. कि एकदम से आप उनको हीट करो फिर सडनली आपने उसको कूल कर दिया, सो दे कैन नॉट विदस्टैंड दिस चेंजिंग कंडीशन और वो मर जाते हैं. पैस्टराइजेशन इज कॉमनली डन एट होम्स. आप मिल्क को जब आप लेते हो आप इसको बॉयल करते हो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस और फिर इसको आप स्लोली कूल भी करते हो. सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द मिल्क दे कैन नॉट विदस्टैंड दिस चेंज, सो देयरफॉर दे गेट डिस्ट्रॉयड. ऐसे ही स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन में भी आप टेम्परेचर को बढ़ा के यूज करते हो. कैसे, फूड आइटम्स आर एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर्स फॉर लॉन्गर टाइम और कई केसेस में तो हम प्रेशर को भी यूज करते हैं, हम हाई प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, तो दोनों ही कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. बिकॉज एज आई टोल्ड यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड अ रेंज ऑफ ऑप्टिमम, यू कैन से अ राइट रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर टू सर्वाइव. तो अगर ये रेंज प्रॉपर नहीं रहेगी सो ऑब्वियसली दे विल डाई. जैसे कि आप देख पा रहे हो दिस इज बॉइलिंग वाटर, अगर आप कोई भी पानी लो और आप उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉइल करो सो दे कैन नॉट विदस्टैंड दिस हाई टेम्परेचर एंड दे जस्ट डाई, दे जस्ट गेट डिस्ट्रॉयड और ये जो पानी है इट बिकम्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट वी कैन स्टोर बाय यूजिंग द प्रिजर्वेटिव्स. नाउ व्हाट आर प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप फूड के अंदर डालो दे कैन एक्चुअली प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर टाइम. Like we have lemon juice, right? This can act as a preservative, and even this is indicating a oil. Oil can actually act as a preservative. ठीक है, तो ये preservatives मतलब ऐसी चीजें हैं which when added to food item to keep they can actually preserve the food for a longer time. Examples, we have salt, we have sugar, we have acids. So any food which has a good salt content, good sugar content or a good acid content, either of, right? So they can actually preserve the food. Because in this condition, microorganism's growth nahi ho pati hai. Now we have few natural preservatives and we also have few artificial preservatives, right? That means the chemical preservatives. So natural preservatives jo nature mein mil rahe hain humare paas, they are salt, sugar, lemon juice, and oil spices. These are all natural preservatives. As you can easily recognize, this is sugar, this is salt, this is lemon juice, oil spices. Ye sab natural preservatives and they can actually preserve the food item. And they are actually natural preservatives because they occur naturally in nature. We have few chemical preservatives also that which are man-made, artificially made in industries. Like we have पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, अगर आप ये किसी चीज के अंदर डालो तो इट कैन एक्चुअली प्रिजर्व फूड बट इट इज अ केमिकल प्रिजर्वेटिव बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इन एन इंडस्ट्रीज. सिट्रिक एसिड इज वन ऑफ देम. वी हैव सोडियम बेंजोएट ऑल्सो. सी दिस इज हाउ द पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट लुक्स लाइक. इट लुक्स लाइक अ व्हाइट पाउडर काइंड ऑफ थिंग. दिस इज सोडियम बेंजोएट, दिस इज सिट्रिक एसिड. देर आर सो मेनी केमिकल प्रिजर्वेटिव बट वी हैव एक्चुअली लिस्टेड ओनली फ्यू विच आर कॉमनली यूज, दैट इज पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट एंड सिट्रिक एसिड. तो कभी भी आप इन प्रिजर्वेटिव का यूज करो, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो केमिकल है, दे आर गोइंग टू स्टोर दी नॉट स्टोर, दे आर एक्चुअली गोइंग टू प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्गर पीरियड. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली प्रिजर्व फूड at home and we can actually prevent the growth of the microorganisms. Microorganism ki growth aap prevent to nahi kar sakte ho puri but you can actually slow down the activity, right, by using these kind of things. Matlab food jo hai wo longer period of time tak reh sakta hai, aap usko use kar sakte.